अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आज की हमारी टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है हमारे गोट फार्मिंग में। तो चलें और देखें, मैं आज जो टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ और आपको बताना चाह रहा हूँ वो बहुत अच्छी टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको बकरियों के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, बकरियां जब गाभिन होती हैं और उसके बाद जब उनके क्या क्या निशानियां हैं, कैसे आपको गाभिन हो गई वो मालूम पड़ेगा, वो सब टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे। और प्रेगनेंसी तक का यानी वो एंड में जब बच्चे दे देती है तो बच्चा देने से पहले भी क्या निशानियाँ हैं, उनकी क्या सिम्टम्स हैं, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि क्या होने वाला है आगे। तो प्रेगनेंसी के बारे में और बच्चा डिलीवरी होने के पहले तक का मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ। इंशाल्लाह आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो पूरा देखें, एंड तक का देखें और कंटिन्यू देखें। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी एक एक करके डिटेल देता हूँ। पहली चीज़ ये है कि जब बकरी क्रॉस होती है, मीटिंग होती है बकरी की, तो उस टाइम का मैंने वीडियो पहले बनाया हूँ, ऊपर आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें मेरे 3 वीडियो है तो उसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा जो ब्रीडिंग होती है। उसके बाद की हमारी वीडियो है यानी उसी से रिलेटेड। और उसके बाद जब बकरी ब्रीड हो जाती है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि बकरी गाभिन हो गई है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी लोग ये समझ नहीं पाते हैं और उसकी वजह से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, जब बकरी आपकी, आज समझ लीजिए आप आज उसे ब्रीड करा लिए, उसके ब्रीड होने के 21 दिन तक का आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि बकरी गाभिन हुई है या नहीं हुई है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि 21 दिन तक का आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आपको अगर बकरी वापस रिपीट हीट पर आती है तो बकरी गाभ नहीं हुई थी, उसे वापस आपको ब्रीड कराना पड़ेगा। अगर वो गाभ हो गई तो वो हीट पे नहीं आएगी। लेकिन उसके अंदर एक और इशू है कि जो बकरियां, कई बकरियां ऐसी भी होती है जो बार बार हीट पे आती है, हर 21 दिन 23 दिन के बाद वापस हीट पे आते रहती है, तो उन बकरियों का प्रॉब्लम होता है। बकरियां अक्सर ऐसी बकरियां बांझ या कुछ और भी उनके अंदर प्रॉब्लम होता है जो बार बार हीट पे आते रहती है, यानी हर 21 दिन के बाद वापस हीट पे। आप अच्छे से अच्छा ब्रीडर लगाएं, मेल अच्छे से अच्छा लगाएं, उसके बाद भी वो बकरी हीट पे आती है तो वो बकरी आपके कोई काम की नहीं रहेगी, वो बांझ हो जाती है। लेकिन अगर बकरी आपकी ब्रीड हो गई तो लगभग ये तय है कि आपकी बकरी प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन फिर भी 2 महीने तक का जो शुरू के 2 महीने हैं, प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है बकरी की, जो गाभिन होती है बकरी, उसका पीरियड है 5 महीना 5 दिन, यानी एक 5 महीने का टाइम होता है, यानी 150 दिन का, यानी 5 या 15 150 दिन, यानी ये 155 दिन भी होता है, 150 दिन भी होता है, ये दौरान है बकरी की प्रेगनेंसी का। तो इसके अंदर जो शुरू के 60 दिन होते हैं उसके अंदर आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि बकरी गाभिन हुई है या नहीं है, या वही 21 दिन का एक वो है हमारे पास जो आप उसे कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम बकरी गाभ हुई है, जैसे नई नई बकरी है ब्रीड हुई है, तो उसे आप कैसे मालूम करेंगे और उसके बारे में भी कैसे चीज़ें, तो वो मैं आपको हमारी बकरियों के पास, यानी मेरे पास कुछ बकरियां ऐसी है जो फर्स्ट टाइम भी गायब हुई है और कई बकरियां ऐसी है जो सेकंड टाइम फोर्थ टाइम भी गायब हुई है, तो उनमें अलग अलग चीज़ों से होता है, उनके जो तरीके हैं उनमें कैसे मालूम पड़ेगा आपको, तो मैं उन बकरियों को दिखा के और आपको समझाऊंगा, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा कि ये बकरी गायब हो चुकी है। तो हमारे पास अभी 2 महीना क्रॉस करी हुई पहली टाइम की बकरी है, मैं पहले आपको वो दिखाता हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको, मेरे पास कुछ बकरियाँ ऐसी हैं जो 3 से 4 बार बच्चे दे चुकी हैं और उनके 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ, यानी 3 महीना कंप्लीट हो चुका है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। चले पूरा वीडियो देखें और एंड तक का देखें। ये हमारी बकरी है, आपने वीडियो में देखा होगा कि हम इसे लास्ट टाइम बरबरों से गाभ कराए थे, तो लगभग इसे 2 महीने के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसे अभी चेक करेंगे, मैं आपको बताऊंगा आपको 2 महीना, यानी जो फर्स्ट टाइम बकरी गाभ होती है, तो जब वो गाभ होने के इसके 2 महीने गुजरने के बाद आपको क्या चीज़ें ऐसी है जिससे कंफर्म हो जाए कि ये बकरी गाभ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि बेटा इसका पैर उठाओ, जो इनके आँचल होते हैं, जो थन होते हैं, आप देखेंगे ये इनके आँचल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जब फर्स्ट टाइम हीट पे आती है उस टाइम पे ये आँचल एकदम बिल्कुल बारीक होते हैं, छोड़ दे बेटा, तो
तो ये पूरी तरह से अब बढ़ना स्टार्ट हो गई है। 2 महीने के बाद आपको ये निशानी दिखने लगेगी, इससे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपकी बकरी ये गाब हो चुकी है। तो ये एक सबसे बड़ी निशानी है, इसके आंचल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी इसकी एक और चीज़ है, बकरी को बेटा घुमा, पीछे का हिस्सा दिखा, ये बकरी का आप पीछे जो पेशाब करने की जगह है आप वो देखेंगे, दूम उठाओ इसकी, ये हल्की सी सूजन जैसी इसके अंदर आ जाती है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, तो ये आप नॉर्मल जो पट पट होती है जो गाबन नहीं हुई होती है उसके बनिस्बत ये चीज़ें एकदम सूजी हुई दिखेगी, आपको समझ में आ जाएगा आपको करीब से देखेंगे तो। तो ये दूसरी निशानी हो गई है। और तीसरी निशानी, बकरियाँ खाने में काफ़ी अच्छी हो जाती है, यानी जो उनकी खुराक होती है नॉर्मल बकरियों के बनिस्बत गाबन होने पर ये बकरियाँ काफ़ी अच्छी खुराकी उठाती है, यानी हेल्दी होने की और गाबन होने की ये बहुत अच्छी निशानी है। और बकरियों में शाइनिंग आना चालू हो जाती है, जैसे आप ये देखेंगे बकरी काफ़ी शाइनिंग दिखाना चाहिए। अभी ये इसका पहला 2 महीना है, जैसे ये आहिस्ते आहिस्ते ये जो आगे का हिस्सा है इसका बकरी का, ये यहाँ तक का हिस्सा ये हल्का शाइनिंग में आना चालू हो गया है। जैसे जैसे इसका टाइम जाएगा तो ये बकरी पूरी बॉडी से फुल एकदम शाइनिंग में आ जाएगी। तो ये फर्स्ट टाइम जो बकरी हीट पे आती है और जो गाबन होती है ये उसकी निशानी है। इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि बकरी गाबन हो चुकी है। और इंशाल्लाह ये फिर और आते 3 महीने में इसके अलग अलग और निशानी हैं, जैसे दूध पूरी तरह से भर जाएगा, ये अलग अलग चीज़ें होती है। मैं अभी आपको जो हमारी ऑलरेडी पहले बच्चा दे चुकी हुई बकरियाँ हैं उसके बारे में बताऊंगा, तो चलते हैं वो बकरियों के बारे में अपन देखते हैं। ये भी मेरी एक और बकरी है, उसको प्रकाश ये तरफ ले बेटा, ये फुल गाब है आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बड़ी बकरी है, माशाल्लाह रेडी गाब है ये, लगभग 4 महीना कंप्लीट हो चुका है इसको गाबिन का। इसके अंदर जब ये बकरी गाब होती है फर्स्ट टाइम, यानी सॉरी ये गाबन होती है जब ये सेकेंड या थर्ड टाइम बच्चा दी हुई बकरी, तो उसकी सबसे अच्छी निशानी ये है कि बकरी दूध देना कम कर देती है। जैसे नॉर्मल वो 1 गिलास दूध या 1 लीटर दूध देती है, तो ये बकरी दूध लगभग आधा कर देती है। ये दूसरे महीने के बाद ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है और 3रे महीने तक का दूध पूरी तरह से बंद हो जाता है बकरी। कोई कोई बकरियाँ देखी गई है 3.5 से 4 महीने तक भी वो दूध देती है, लेकिन मोस्टली बकरियाँ 3रे महीने में दूध बंद कर देगी। अब इसके आंचल से आपको समझ में आ जाएगा, आप देख सकते हैं इसका आंचल पूरी तरह से सूख चुका है। तो ये जो ऑलरेडी पहले बच्चा दे चुकी हुई बकरियां होती है उसके अंदर ये चीज़ें आती है कि बकरी जो है उसके दूध सूख जाते हैं। और बकरियों के पेट जब बढ़ना स्टार्ट होते हैं, आप बकरी का पेट देख सकते हैं नीचे की तरफ से बढ़ रहा है बकरी का पेट, इसमें बकरी की पहचान जो गाबन होती है, अक्सर बाज़ारों में से भी लोग बकरियाँ जब खरीद के लाते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है बकरी गाब है या खाली है, क्योंकि काफ़ी सफ़र करने के बाद बकरियों का पेट काफ़ी कम हो जाता है। बकरियां ये फीडिंग की हुई है अच्छी, यानी हमने इसे अच्छा दाना चालू कर दिया, क्योंकि इसे 3 महीना कंप्लीट हो के भी 15-20 दिन हो चुका है, यानी 4थे महीने में रनिंग है। तो हम इसके दाने के ऊपर ख़ास ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले के भी वीडियो में मेरे बताया हूँ कि जब बकरी आपकी गाब हो जाए और 2 महीना कंप्लीट हो जाए तो 3रे महीने से उसे अच्छे दाना यानी 3 महीना कंप्लीट होने के बाद 3रा और 4था महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो टाइम पे आपको इसे दाना भरपूर देना चालू कर देना चाहिए। तो कभी कभी जब बाज़ार से आप बकरियां ख़रीद के लाते हैं तो उस टाइम ऐसा हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता बकरी गाब है या खाली है, तो आपको उसके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको समझा देता हूँ। मेरी एक बकरी और है, ये आपको ये भी गाबन है, सेम टाइम के दोनों गाबन है, मैं ये भी बता देता हूँ बकरी इसके, ये प्रकाश इसका जरा सी दूध हल्का सी निकालो, ये आप देखेंगे हम लोग है ना बकरी का दूध चेक कर रहे हैं दूध निकाल के, हाँ बस अभी आप ये बकरी के दूध का कलर, बस यहाँ रुक जाओ, दूध का कलर देखेंगे, ये हल्का पीलापन इसके अंदर आ गया है दूध के कलर में, और ये चिपचिपा देख, ये आप देखेंगे ये चिपचिपा हो गया, तो इससे साबित हो जाता है ये बकरी गाबन है। तो अगर अक्सर अगर आप बाज़ारों में हैं
और बाज़ार में आपको बकरी खरीद रहे हैं, आपको डाउट हो रहा है कि बकरी गाब है या खाली है, तो उसके दूध को निकाल के चेक कर लें। दूध का कलर जो होएगा नॉर्मल बकरी के सफ़ेद दूध से पीलापन हल्का सी उसके अंदर आ जाएगा। कई कई बकरियाँ तीसरे महीने में उनके कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी के जैसा भी हो जाता है, तो वो तीसरे महीने की बकरी होती है। और जो चौथे महीना कंप्लीट करी हुई बकरी होती है उनके दूध पीले हो जाते, इसे नॉर्मल बम्बई की लैंग्वेज में चिक बोलते हैं, जो अक्सर बल्ली मलाई या कुछ बनती है वो सब इसी दूध से। फर्स्ट टाइम जो बकरी बच्चा देती है उसका फर्स्ट जो दूध होता है उस दूध से बनती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिश है, ये हमारे इधर काफ़ी चलती है, बाहर इसे क्या कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है। तो ये तरीका बहुत अच्छा है चेक करने का, कि दूध निकाल लें और दूध निकाल के आप चेक कर लें तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। अब आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बकरी जब बच्चा देना अनकरीब रहता है, उसका टाइम हो जाता है बच्चा देने का, यानी जब बच्चा देने का टाइम उसका करीब हो जाएगा, तो उसकी क्या निशानी और आपको क्या अलामत उससे समझ में आएगी, तो मैं वो भी बता दूं। तो जैसे ये बकरी का आँचल आप देख रहे हैं, हमारी दोनों बकरियों का आँचल मैं आपको बताऊं, इसका भी और वाइट वाली का भी आँचल आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह से भरपूर इसके अंदर दूध उतर जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा भर गया है, ये दूध बहने लगेगा, यानी ये सबसे बड़ी निशानी है। इससे 12 से 24 घंटे के अंदर बकरी आपकी बच्चा दे देगी, और ये एक निशानी होती है कि आँचल पूरा इनका खुल जाता है, बड़ा हो जाता है, इसके अंदर दूध भरपूर भर जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, ये पोजिशन आप बकरी का देखेंगे पीछे का हिस्सा, ये अभी मैं आपको बता रहा था, जैसे ये पोजीशन आप देखेंगे इसकी, ये पोजीशन जो है बकरी थोड़ा भाग रही है, टाइट पकड़ इसको प्रकाश, आप ये देखेंगे इसके अंदर यहाँ हिस्से में जैसे गैप आ जाता है पूरी तरह से, और ये हिस्सा बकरी, हम इसे बोलते हैं बकरी ने ये तोड़ दी है, ऐसा बॉम्बे में कहा जाता है। लेकिन आप और चीज़ एक चीज़ देखेंगे, ये हिस्सा भी एकदम बकरी का लूज़ हो जाता है, लबलबा हो जाता है, जैसे चर्बी का लोथड़ा होता है ना वैसा हो जाता है। और जो ये हिस्सा है ये पूरी तरह से एकदम गैप हो जाएगा यहाँ पे, ये हिस्से में पूरा, अभी इसको गैप कम है आप देखेंगे, खाली इतने हिस्से में ये गैप इधर से इधर तक का पूरा आ जाएगा। तो जो ये गैप बन जाता है इसकी वजह से बकरी का एक ये सबसे अच्छी निशानी है कि दूध पूरी तरह से छोड़ देगी और पीछे के हिस्से में गैप बना देगी। जब ये चीज़ें सब जाहिर होने लगी, आपको दिख जाए कि आपकी बकरी के अंदर ये सब चीज़ें आ गई है, दूध उसने पूरा छोड़ दिया है, पीछे गैप बना दिया है, और जो पेशाब की जगह है पूरा लूज़ हो गई है, तो इंशाल्लाह उसके 12 से 24 घंटे, बहुत से टाइम ऐसा भी हुआ है 6 घंटे के अंदर भी बकरी ने बच्चा दे दी है। तो ये आपको पूरा जो प्रेगनेंसी का मैंने आपको पूरा एक सिस्टम बताया कि फर्स्ट 1 से 2 महीने में कैसा होता है, 2 से 3 महीने में कैसा होता है, और 3 महीने के बाद, और फर्स्ट टाइम वाली बकरी के भी बारे में आपको बताया, सेकंड टाइम वाली बकरी के बारे में भी आपको बताया कि वो कैसी हो जाती है। तो ये तरीका है बकरियों का जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, ये काफ़ी आसान तरीका है आपको समझाने का, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि बकरी गाबन हो गई है और आपकी बकरी कब बच्चा देगी और कैसे बच्चा देगी। इस टॉपिक पर मैंने पूरा यूट्यूब पर देखा हूँ, बहुत कम वीडियो है, काफ़ी लोग इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने के लिए क्यों झिझकते हैं या हिचकिचाते हैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये हमारे गोट फार्मिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग बकरियां ले आते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है क्या करना है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो गाबन बकरियां होती हैं लोगों को समझ में नहीं आने की वजह से वो उसे सेल कर देते हैं, और वो बिकने के बाद किसी और के पास जाके बच्चा दे देती है और बाद में हमें अफसोस होता है। तो बहुत सी चीज़ें जब फर्स्ट से सेकेंड मंथ होता है, 2 महीने तक आपको आपकी बकरियों को रोक के रखना है, बेचना नहीं है। अगर आपने ब्रीड कराया तो तीसरा महीना भी आप देख सकते हैं, नहीं तो अगर आप उसे बेच देंगे तो उसका जो आपकी मेहनत है वो किसी और का फ़ायदा हो जाएगी। तो यही सब छोटी छोटी टॉपिक है और छोटी छोटी बातें होती है जो आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, हमारे इधर बकरियाँ अक्सर रही है, तो इसी तरह मैं आपको छोटी छोटी टॉपिक के ऊपर बात समझाते रहूँगा इंशाल्लाह, और बताते रहूँगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। और आप भी ऐसा करें, आप जब मुझसे कुछ चीज़ें सीखें तो उसे किसी और तक का भी फैलाएं, हमारी वीडियो को शेयर करें कि जिनको नहीं मालूम है उसे भी ये टॉपिक और ये चीज़ें मालूम पड़ जाए प्रेगनेंसी की। तो
बाकी वीडियो कैसा रहा आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट्स बॉक्स में आपके मैसेज डालें, आपकी राय डालें, और भी कुछ नया टॉपिक आपको समझ में आता है जिसके ऊपर आपको जानकारी लेना है तो वो हमें भेजें, मुझे व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज डालें। मैं आपको काफ़ी लोगों को बोल रहा हूँ आप वॉइस मैसेज डालें, मैं कॉल रमज़ान के महीने में बहुत कम रिसीव कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होगा कि मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं वॉइस मैसेज का बराबर हर किसी को जवाब दे रहा हूँ, हर चीज़ का मैसेज का रिप्लाई भी दे रहा हूँ, लेकिन मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ। रमज़ान के महीने में बहुत अर्जेंट कॉल है तो ही रिसीव करता हूँ, नहीं तो मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएं, और कल इंशाल्लाह फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।